हे गेमर्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी गेमिंग। होपफुली बढ़िया चल रही होगी। और अब तो न्यूज भी आ गई है 18 मई से। जी हाँ, 18 मई से प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है पबजी की नहीं, BGMI की, यानी कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, जो कि पबजी का ही एक वेरिएंट है, इंडिया में आने वाला है। और अगर आप सोच रहे हैं हम कहाँ गायब थे इतने टाइम से, तो अगर आपने हमारा कम्युनिटी टाइम अपडेट नहीं देखा तो आई वॉज कोविड पॉजिटिव, जिसकी वजह से मेरी तबीयत काफ़ी खराब चल रही थी। पर अब आई एम फाइनली कोविड नेगेटिव और मैं यहाँ पे वीडियोस शूट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी M42, जिसका हमने गेमिंग टेस्ट अभी तक नहीं किया है। ये थोड़े टाइम पहले लॉन्च हुआ था, पर तब हम वीडियोज नहीं शूट कर पा रहे थे। फाइनली इसका यहाँ पे हम पबजी गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं। जब BGMI आ जाएगा तो हम उसका भी गेमिंग टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको 22,000 से ये स्टार्ट होता है। इसमें आपको मिलता है 6.6 इंच का HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले। 22,000 में HD+, मेरे हिसाब से पहली चीज जो मुझे लगी वो है ये एक्सपेंसिव लगा, क्योंकि फुल HD+ तो यहाँ पे होना चाहिए था। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ बाकी स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है Snapdragon का 750G चिपसेट, जो कि एक 5G चिपसेट है। और साथ ही में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 6GB या 8GB रैम। हमारे पास यहाँ पे 6GB रैम वेरियंट है, जिसमें आपको 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और ये आता है 5000mAh बैटरी के साथ। तो फटाफट से इसके इनिशियल टेम्परेचर ले लेते हैं पहले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशियली अभी 35.5 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है। यहाँ पे जो टेम्परेचर आता है वो पूरे एरिया का मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है, तो 35 डिग्रीज के अराउंड वो मैक्सिमम है अभी। और बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड में भी अराउंड 35 डिग्रीज मैक्सिमम है। फटाफट से गेम को करते हैं लॉन्च, आपको दिखाते हैं अपना वही फेमस ट्रस्टेड सेटअप जिसमें आपको FPS और सब कुछ दिखेगा। और उसके बाद बात करते हैं इसकी सारी ग्राफिक सेटिंग्स की, जायरोस्कोप की, और कैसा रहता है इसका FPS एक्सपीरियंस। तो गाइस, ये रहा हमारा कुछ सेटअप। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन स्क्रीन पे आपको डिवाइस की स्क्रीन दिख रही होगी, और यहाँ पे हम स्क्रीन मिरर कर रहे हैं। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, मिरर कर रहे हैं यूजिंग USB वायर, ताकि डिवाइस पे मिनिमम से मिनिमम लोड पड़े। और साथ ही में ऑडियो केबल लगा रखे, ताकि आपको भी गेम का ऑडियो सुनाई देता रहे। नीचे लोअर राइट कॉर्नर में आप हैंड कैम देख सकते हैं, ताकि आपको अगर आइडिया लगाना है कि कैसा गेम चल रहा है डायरेक्टली डिवाइस पे, तो वो भी आप जज कर सकते हैं। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे सेटिंग्स में दिखाऊँ, तो स्नैपड्रैगन 750G में आपको मिल जाता है स्मूथ में अल्ट्रा, यानी कि 40 FPS पे अभी कैप्ड रहता है। बैलेंस में भी आपके पास अल्ट्रा और HD में हाई, यानी कि 30 FPS मैक्सिमम सेटिंग रहती है। तो अभी के लिए हम इसको स्मूथ अल्ट्रा पे रखेंगे, बाद में इसका हम कोशिश करेंगे 60 FPS टेस्ट भी एक डाल दें। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी हमने सारी वीडियोस स्टार्ट करी हैं रिकॉर्ड करना, और सारी डिवाइसेस टेस्ट करना अभी शुरू किया है दोबारा से। तो पहले हम फटाफट से इसको 40 FPS पर टेस्ट करते हैं, एक TDM मैच खेलते हैं, फिर रायंगल खेलेंगे, और एक आपको फटाफट से सलाख में हॉट ड्रॉप भी दिखा देंगे। तो गाइस, यहाँ पे हम आ गए हैं पहले TDM में। तो TDM में सबसे पहली चीज हम जो आपको आजकल दिखाते हैं वो है जायरोस्कोप। यहाँ पे हम अगर जाए और जायरोस्कोप को स्कोप ऑन पे कर दे, यहाँ पे जायरोस्कोप स्कोप ऑन पे हमने सेट कर दिया है। एक कॉर्नर में आ जाते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो जायरोस्कोप मुझे यहाँ पे ठीक वर्क करता हुआ दिख रहा है, कोई मेरे को यहाँ पे डिले नहीं दिख रहा, एकदम इंस्टेंट है और सही यहाँ पे वर्क कर रहा है। थोड़ा सा रिकॉल कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मैं जायरो प्लेयर नहीं हूँ, क्योंकि हमें डिवाइसेस चेंज करते रहने पड़ते हैं, पर स्टिल जायरो टेस्टिंग के टाइम पे मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं कि जायरो एकदम आपका मस्त लेजर स्प्रे आप जायरो से दे सकते हैं। तो अगर आप जायरो प्लेयर हैं तो सैमसंग M42 का जायरो यहाँ पे सही वर्क कर रहा है। अब लेट्स सी कि गेम कैसा परफॉर्म करता है। यहाँ पे मोस्टली इसने 40 FPS मेंटेन कर रखे हैं अभी के लिए, और TDM में तो मुझे कोई 40 FPS से नीचे भी जाता ऐसा लग नहीं रहा कि जाएगा। लेट्स सी, सही चल रहा है यहाँ पे मैच। थोड़ा मेरा गेम अभी गेम पे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया मैं 2-3 हफ्ते बाद अभी टेस्टिंग और रिकॉर्डिंग सब स्टार्ट कर रहा हूं। मेरे को इशू नहीं दिख रहा फ्रेम ड्रॉप्स का TDM में स्पेशली। इसके बाद इरेंगल और सनॉक भी खेलेंगे, मोस्टली इरेंगल का गेम प्ले दिखाएंगे और सनॉक का हॉट ड्रॉप दिखा देंगे। किलिंग स्प्री फॉर द ब्लू टीम। हेलो, ये
यार स्कारल पड़ी है डेमो बाहर, फर्स्ट एड मिल गई मेरे को। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल फाइट्स में तो इसने मस्त मेंटेन कर रखे हैं फ्रेम्स, यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 के अराउंड ही दे रहा है। यहाँ पे सेनाउक भी आपको थोड़ा सा दिखाएंगे, मीडियम में भी आपने देख ही लिया, तो लेट्स सी आगे भी कैसा रहता है। फाइव कैमरा ड्रॉप किया मैंने 93 नीचे से ले आया था। एक नॉक किया मैं उनका, दो नॉक हो गए, नाइस। और है नाइस, और एक नॉक पड़ा है पेड़ पे अच्छे वाला, मैंने मार्क चलो चेतन लगा देना, दो नॉक है मेरे। मेन बिल्डिंग में बंदे आ गए, मेन पे बंदे आ गए, मेन पे बंदे आ गए, ये पुश कर रहे एक बंदा और आ रहा है। नो नीड कौन किया स्मोक किया वो नीड में आपके फेवरेट मैप जो आप हमेशा टेस्ट करने के लिए बोलते हैं बूट कैंप, और यहाँ पे मेन बिल्डिंग पे कूदेंगे, सिर्फ आपको उतर के दिखाएंगे कि फ्रेम ड्रॉप्स कितने आते हैं, आप ऊपर फ्रेम ड्रॉप्स पे नजर रख सकते हैं। और यहाँ पे हमने जंप कर दिया, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि ऊपर 29 तक डिप गया, वापस पर फटाक से 40 आया, फिर हल्का सा डिप हो रहा है। इन जनरल 750G एक काफ़ी केपेबल प्रोसेसर है 40 FPS मिले तो यहाँ पे लेट्स सी लैंड के बाद कितना हमारा FPS मेंटेन कर पाएगा। आई डोंट थिंक मैं ज़्यादा सर्वाइव कर पाऊँगा क्योंकि मैंने हफ्तों से गेम नहीं खेला है। यहाँ पे 40 FPS वापस इसने मेंटेन कर लिया है, टीम्स तो मुझे आते हुए दिख रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही हूँ। यहाँ पे आप ऊपर फ्रेम देख सकते हैं, अभी भी 40 आ रहे हैं, ऐसा नहीं ज़्यादा डिप खा रहे हैं। रुक गया हूँ आपको फ्रेम्स दिखाने के लिए, अभी आप मेरे को थोड़े टाइम लगेगा, एक आधा हफ्ता लगेगा सारा कंट्रोल सेट करने में, हाथ सेट होने में। तो अभी हम 40 FPS एक्सपेक्ट कर सकते हैं बूट कैंप जैसे चल रहे।
भाई क्या ही मारा है इसको, आप देख सकते हो कितना गंदा ये मोरख है मेरा। तो गाइस यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से भी ऊपर हो गए, 1 घंटे 37 मिनट हो गए हैं गेम खेलते हुए। फटाफट से टेम्परेचर रीडिंग्स ले लेते हैं डिवाइस की, और आगे की साइड आप देख सकते हैं टेम्परेचर, एक सेकेंड मैं आपको जूम कर देता हूँ, सॉरी जूम कह रहा हूँ फोकस कर देता हूँ। टेम्परेचर्स आ गए 44 डिग्रीज जो कि अपर एरिया में है डिस्प्ले के, और पीछे की साइड की बात करूँ तो वंस अगेन फोकस कर लेते हैं यहाँ पे 42.4-42.6 मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है आफ्टर ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स यानी कि 90 मिनट्स ऑफ गेमिंग। तो कोई मेजर हीटिंग इश्यूज मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे, जबकि दिल्ली में इस समय समर चल रहा है, मई का महीना चल रहा है और वेदर काफी गर्म है, और यहाँ पे हमारा फैन ऑन था, एसी ऑफ था। तो ओवरऑल मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा सैमसंग के नए सैमसंग गैलेक्सी M42 5G स्मार्टफोन पर, तो यहाँ पे 40 FPS काफ़ी हद तक मेंटेन कर लेता है। जब बात आती है TDM की तो काफ़ी सही रॉक सॉलिड 40 FPS दे रहा था, एकदम मस्त 40 FPS के अराउंड ही मेंटेन कर रखा था, कोई दिक्कत नहीं आई। एंगल में भी इसने काफ़ी हद तक 40 FPS मेंटेन कर रखा था। जो नया मोड है जिसमें आपको गॉडज़िला दिख जाता है, उस मोड में हमें यहाँ पे फ्रेम स्टेबिलिटी थोड़ी कम दिखी, वो गेम ऑप्टिमाइजेशन का इशू रहता है क्योंकि बहुत डिवाइसेज में हमें वो चीज़ दिखी थी। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मुझे पबजी मोबाइल के सेनॉक मैप में भी जब बूट कैंप में अपने हॉट ड्रॉप मारा तो वहाँ पे भी 40 FPS मोस्टली ये मेंटेन कर पा रहा था। तो इसकी एडवांटेज ये है कि 40 FPS ये अच्छा दे देता है क्योंकि यहाँ पे आपको HD+ डिस्प्ले मिलता है, तो फ्रेम्स थोड़े स्टेबल रहेंगे क्योंकि इतने ज़्यादा पिक्सल्स पुश नहीं करने GPU को यहाँ पे, तो ओवरऑल लोड थोड़ा कम रहता है डिवाइस पर। हीटिंग इश्यूज भी हमने यहाँ पे कोई नहीं देखे, तो अगर आपको 40 FPS पे गेमिंग करनी है तो वो आप इस डिवाइस पे कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सही प्रोसेसर कंपनी ने दिया है जो कि स्नैपड्रैगन 750G है, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से एक केपेबल प्रोसेसर है, बैटरी भी 5000 mAh की है। एक चीज़ जो ये डिवाइस पीछे रह जाता है जिसमें, वो है इसका डिस्प्ले। डिस्प्ले वैसे तो ठीक है देखने में, पर फुल HD+ होता तो आपकी बाकी नीड्स भी यहाँ पे पूरी हो जाती है, और गेमिंग में भी फुल HD+ किसी किसी गेम में थोड़ा आपको बेटर देखने को मिल जाता है। पबजी में इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं पता चलेगा HD+ और फुल HD+ डिस्प्लेज में क्योंकि रेजोल्यूशन इतनी हाई नहीं रहती, जब बात करते हैं स्मूथ एक्सट्रीम गेमिंग की या स्मूथ अल्ट्रा गेमिंग की। पर इन जनरल अगर इसका फुल HD+ डिस्प्ले होता और सेम फ्रेम रेट्स देता तो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन गेमिंग के लिए मार्केट में हो जाता, पर स्टिल FPS की अगर बात करें तो PUBG जैसे गेम में इसने 40 FPS काफ़ी हद तक मेंटेन करके रखे थे। साथ ही में हम BGMI टेस्ट करेंगे जो कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया है, जब वो आ जाएगा इस डिवाइस पर, और मेरा गेम प्ले थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। अभी मैं जस्ट रिकवर हुआ हूँ कोविड से, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं टेस्टिंग और गेम प्ले अपना थोड़ा वापस इंप्रूव करूँगा जैसा पहला था। तो उसके लिए थोड़ा बने रहिए हमारे साथ, कीप गेमिंग एंड रिमेंबर गेमिंग इज नॉट अ क्राइम।